तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और आज फाइनली कूलेंट और रेडिएटर फ्लश की वीडियो आ गई है। इस कार का हम पूरा का पूरा कूलिंग सिस्टम जो है वो फ्लश करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक देखना। आप घर पे आसानी से इसे फ्लश कर सकते हो, बिल्कुल आसान है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ आपको स्किल्ड या टेक्नीशियन होने की ज़रूरत नहीं है ये काम करने के लिए। आपको जस्ट ये वीडियो एंड तक देखनी है और फिर आप आसानी से अपनी कार का कूलेंट फ्लश कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप i10 का ही कर सकते हो, कोई भी गाड़ी हो उसका आसानी से कर सकते हो, बट उससे पहले आपको इसका बम्पर खोलना पड़ेगा और उसके लिए हर गाड़ी के अपने अलग बोल्ट होते हैं बम्पर के, तो आपको वो चेकआउट कर लेने हैं। जैसे अगर आपके पास i10 है तो आपको ये वाले खोलने हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ये देखो, ये लॉक्स लगे होते हैं यहाँ पर इसके फ्रंट में, तो इन्हें लॉक खोलने के बाद आपको यहाँ पर टायर फ्रंट टायर जो होता है उसके आगे यहाँ पर लॉक लगे होते हैं। अगर नई गाड़ी है तो आपको इसमें कोई पेंच नहीं मिलेंगे, आपको डायरेक्ट ये लॉक होता है, तो आपको जैसे इसे बाहर की तरफ खींचना है और ये बम्पर जो है ये बाहर निकल आता है। अगर थोड़ी पुरानी है, थोड़ा जुगाड़ किया हुआ, तो यहाँ पर पेंच भी लगे होते हैं, आपको आगे भी दिखा दूंगा अगर इस वीडियो के इस पार्ट के अंदर हुआ तो। वो पेंच आपको खोल लेने हैं। देखो जैसे इस साइड यहाँ पर पेंच लगे हुए हैं, तो ये नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से खुल जाते हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये आपको खोलने के बाद आपको इसका बम्पर निकालना है। मेन जो सबसे पहला काम है, हमें गाड़ी का बम्पर बाहर निकालना है, क्योंकि हम बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाले हैं, तो मतलब आसान अगर काम करना तो बम्पर खोलना पड़ेगा। और अगर फॉग लाइट लगी हुई है तो इसके कनेक्शंस को हटाना मत भूलना, वरना तारें खिंच जाएंगी और टूट सकती हैं तारें, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फॉग लाइट लगी हुई है, तो हमने यहाँ पर इसकी वायर्स को निकाल दिया है। यहाँ पर बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा एक्टिव रह के काम करना पड़ेगा और ये वीडियो ध्यान से देखनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ इसका लुक है। तो गाइस ये सेंटर में जो आप ये रॉड देख रहे हो, इसे भी आपको खोल लेना है अगर आपको और अच्छी तरीके से इस पर काम करना है, रेडिएटर को क्लीन करना है। तो ये देखो, ये हम एक बार इसे इसका कैप भी खोल लेते रेडिएटर की। गाइस गाड़ी कूल हो तभी कैप खोलना, गर्म में मत। अब बारी है इसके कूलेंट को चेंज करने की। तो यहाँ पर ये इसका ड्रेन बोल्ट दिया हुआ नीचे, ये वाला, तो हमें ये ड्रेन बोल्ट खोलना है और ये खोलने के लिए हमें थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। तो भाई वैसे तो यहाँ पर इसका ड्रेन बोल्ट दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो, लेकिन ड्रेन बोल्ट के अंदर प्रॉपर अगर पेचकस नहीं है तो फिर आपको ये वाला जो होज है नीचे वाला, ये आपको खोलना है। इसे खोलने के लिए आपको ये जो है क्लैंप, ये क्लैंप जो दी हुई है, आपको इसे टाइट ढीला करना है, पीछे सरका देना है और फिर आपको दोनों हाथों से इसे खोल देना है। और ध्यान रखना पानी जो है बहुत गर्म निकलता है इंजन का, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है और ये सारे को निकलने देना है जितना भी ये है, क्योंकि ये देखो कूलेंट जो है बहुत गंदा है और ये बहुत गर्म निकलता है। जब अब इसे आपको ड्रेन करना है अच्छी तरीके से, जितना भी ये इस रेडिएटर के अंदर है, जितना भी इस रेडिएटर के अंदर पानी है, सारा का सारा ड्रेन कर देना है और ऊपर से आपको और पानी डालते जाना है जब तक इसका ये सारा का सारा क्लीन नहीं हो जाता। और साफ पानी जब तक नहीं आ जाता तब तक आपको ये करते रहना है और उसके बाद ही हमें ये कूलेंट डालना है, ये वाला। इस यहाँ से हमें पानी इसमें भरते रहना है और ये नीचे से निकलता रहेगा। ये देखो, जब तक इसका कलर जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता तब तक हमें इसमें पानी जो है ट्रांसफर करता रहना है, जिससे जितना भी इसका गंध है, जितनी भी इसकी इम्प्योरिटीज हैं, वो सारी की सारी निकल जाए कुछ इस तरीके से। कलर के अंदर आप डिफरेंस जो है वो देख सकते हो। और एक बार आपको इसके नीचे से भी बंद कर देना है और ऊपर से रेडिएटर को फुल कर देना है, जिससे इसके अंदर जितना भी गंद है वो सारा का सारा निकल जाएगा। अभी मैंने ये बंद कर दिया है हाथ से, ये देखो, क्योंकि जो गर्म पानी था वो सारा का सारा निकल चुका है। और अभी हम इसे खोल देंगे दोबारा से, रेडिएटर को पूरा का पूरा भर दिया है। अब मैं एक बार जरा इसे ढीला छोड़ दूंगा, तो यहाँ पर ये जितना भी है ये सारा का सारा निकल जाएगा, देखो। और आप यहाँ पर मेरा हाथ देख सकते हो, गंदगी जो है कितनी इसके अंदर से निकल कर आ रही है। तो ये चीज़ जो है, ये देखो आप कलर देख सकते हो पानी का, तो ये सारा का सारा जो है पुराना कूलेंट जो है ये सारा ऐसे ही निकलता है। और पानी आपको तब तक ट्रांसफर करना है जब तक इसमें से एग्जैक्ट जो है ट्रांसपेरेंट पानी नहीं आ जाता। देखो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो ये जो है ये पूरा का पूरा आपको करना है, तभी ये प्रॉपर हो पाएगा, अच्छी तरीके से क्लीन करना है इसे। और अब बारी है इसके रिजर्वायर की, जो कूलेंट का रिजर्वायर होता है उसे भी हमें क्लीन करना है, क्योंकि अगर ये गंदा रह गया तो फिर इसका जो गंदा है वो पानी दोबारा रेडिएटर में चला जाएगा। कूलेंट डाल दोगे और वही हार्पिक वाला ही सिस्टम आपको इसमें भी कर देना है, जो आपका कंडेंसर कॉइल से जो बचे आपको इस तरह से प्रेशर कर देना है। और नीचे आप देख सकते हो, वो ये नीचे आप ये पानी देख सकते हो किस कंडीशन में निकल रहा है। और सोचो कि अगर आप इसे साफ ना करो और
नॉर्मल आप रेडिएटर को क्लीन करके बस उसके अंदर कूलेंट डाल दो तो फिर ये पानी जो है ये वापस रेडिएटर के अंदर जाएगा और इतना गंदा पानी जो है कूलेंट को आपको कूलेंट की लाइफ को भी बहुत खत्म कर देगा, मतलब हाफ कर देता कूलेंट की लाइफ को। तो इसीलिए जब आप कूलेंट चेंज कर रहे हो कंडेंसर जब या फिर रेडिएटर को क्लीन कर रहे हो तो ये जो रिजर्वॉयर टैंक है इसे भी अच्छी तरीके से क्लीन करना जरूरी है, तभी आपकी गाड़ी के अंदर जो है प्रॉपर कूलेंट का काम होगा। और जो इसकी रिजर्वॉयर टैंक से जो पाइप आती है रेडिएटर के अंदर ये भी हमें क्लीन करनी है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये दूसरे एंड से आपको जस्ट माउथ से प्रेशर कर देना है और ये जितनी भी इसके अंदर धूल मिट्टी होगी सारी की सारी बाहर आ जाती है। ये बिल्कुल सही तरीका है, अगर आपको घर पे ये सही करना है क्लीन करना है तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कलर जो है चेंज हो रहा है, तो ये गंदगी जो है सारी की सारी निकल जाएगी। हमें कूलेंट का जो है गाड़ी के अंदर कूलिंग सिस्टम जो भी होता है उसका हर पार्ट क्लीन करना है अगर आपको प्रॉपर जो है वो बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए कूलेंट की, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो और रेडिएटर में जितना ज्यादा पानी आप डाल सकते हो डालना तब तक जब तक ये नीचे वाला पानी जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। देखो कुछ इस तरीके से ये करना है भाई। सारा ड्रेन करने के बाद आपको एक बार गाड़ी को स्टार्ट भी कर लेना है थोड़ी देर के लिए आइडल पे, जिससे इसके इंजन के अंदर जितना कूलेंट है वो भी सारा का सारा बाहर आ जाए और वो यहाँ पर नीचे गिरता रहेगा, तो ये भी हमें देखना है। और उसके बाद हल्का हल्का इसके अंदर पानी भी भरते रहना है ताकि प्रॉपर जो है वो सर्कुलेट हो जाए। ये वाला यहाँ पर आप देख सकते हो अभी भी इसका कलर वैसा का वैसा ही आ रहा था, तो ये अच्छी तरीके से फ्लश करना है तभी हम इसके अंदर कूलेंट डाल पाएंगे। तो इंजन को जो है स्टार्ट रखना थोड़ी देर के लिए जब तक इसका थर्मोस्टेट नहीं खुलता और उसके बाद फिर हम इसके अंदर कूलेंट डालेंगे। भाई जब ये इंजन के उसमें से राउंड मार कर आएगा एक तब देखो ट्रांसपेरेंट पानी का भी कलर इस टाइप का हो जाएगा और ये गर्म पानी होगा इस टाइम। तो ये जो है ये इंजन का पानी निकालने का तरीका है कि पूरा रेडिएटर को ड्रेन कर दो उसके बाद इंजन को स्टार्ट कर दो और थर्मोस्टेट ऑन होने तक इसे खाली रखो फिर उसके बाद पानी भरो, फिर ये इस तरीके से पानी आएगा। उसके बाद आपको जो इसका ये ड्रेन वाला पाइप है ये आपको दोबारा खोल देना है ये वाला, और इस टाइप से जो है सारी गंदा पानी जो है इंजन का सारा बाहर आ जाएगा। और उसके बाद आपको रेडिएटर को एक बार दोबारा से फ्लश कर देना है नॉर्मल ठंडे पानी से, अभी ये बहुत गर्म पानी है ये देखो ये अच्छा खासा गर्म पानी है बस। तो अब हमारा रेडिएटर के फ्लश करने का काम जो है वो खत्म हो चुका है, जिसमें हम फ्लश कर चुके हैं रेडिएटर को इंजन को और इसका रिजर्वायर जो है इसे, इन सारी चीज़ों को हम फ्लश कर चुके हैं। अब कनेक्शंस को दोबारा करेंगे और उसके बाद इसके अंदर कूलेंट को फिल किया जाएगा। तो दोस्तों अब बारी है कूलेंट डालने की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं लेकर आया हूँ हेला का कूलेंट, यहाँ पर 2 लीटर में कूलेंट लेकर आया हूँ रॉ वाला और इसमें 3 लीटर पानी डलेगा। अब गाइस हर गाड़ी की अपनी अलग कैपेसिटी होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो मिक्स अप टू 3 टाइम्स सॉफ्ट क्लीन वाटर, ये यहाँ पर इन्होंने प्रिकॉशंस में दिया हुआ है। तो गाइज हर गाड़ी की कैपेसिटी अपनी अलग होती है। i10 अगर आपके पास पुराना मॉडल है तो उसमें 2 लीटर कूलेंट प्लस 3 लीटर वाटर मतलब 5 लीटर कूलेंट की कैपेसिटी होती है। तो अब हम यहाँ पर ये कूलेंट डालना स्टार्ट करते हैं। तो आपको अगर अपनी गाड़ी का कूलेंट चेक करना हो तो आप यूज़र मैनुअल में चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर ही पता लग जाएगा। और इस तरीके से आपको इसमें कूलेंट डालना है, सबसे पहले तो जो रॉ वाले है वो आपको इसके अंदर डालना है, उसके बाद आपको इसके अंदर पानी डालना है। और ये आ गई सेकंड बॉटल। अब गाइस यहाँ पर पानी की मैं बात कर रहा हूँ तो नॉर्मल घर से जो टुंटी वाला पानी आता है वो मत डाल देना इसके अंदर, जो आप इन्वर्टर की बैटरी के अंदर पानी डाल रहे हो सिर्फ और सिर्फ वही पानी डालना है इसके अंदर। और 100-150 ml जो रिजर्वॉयर टैंक है उसके अंदर भी डाल देना। तो अब हम डालने लगे डिस्टिल्ड वाटर जो इन्वर्टर की बैटरी के अंदर डलता है, और इसके अंदर यही पानी डालना चाहिए, नॉर्मल जो पानी होता है वो बेकार रहता है क्योंकि फिर उसमें जंग लगने के चांस रहते हैं। तो अभी हमें इसे पूरा फुल करना है, तो यहाँ पर ये फुल हो चुका है ठीक है। उसके बाद हमें ये रिजर्वायर फुल करना है,
इसको हमें ये रिजर्वायर फुल करके यहाँ से क्लोज कर देना है, ठीक है। उसके बाद अब हमें गाड़ी स्टार्ट कर रही है, करो स्टार्ट। तो भाई यहाँ पर हम ये भर चुके हैं, अब गाड़ी स्टार्ट करनी है, उसके बाद जो कूलेंट जो है वो अंदर जाएगा, उसके बाद फिर हमें और टॉप अप करना है इसे। तो ये आप देख सकते हो अभी थर्मोस्टेट चलने का इंतजार करेंगे और ये इंजन के अंदर जाएगा कूलेंट, देखो ये खाली हो रहा है। तो जैसे जैसे खाली होता जाएगा वैसे वैसे हम इसे टॉप अप करते जाएंगे, और अभी थर्मोस्टेट जब तक नहीं चलेगा तब तक ये खाली नहीं होगा, तो हमें थर्मोस्टेट चलने का वेट करना पड़ेगा। और थर्मोस्टेट तब चलता है जब टेम्परेचर की सुई जो है वो हाफ के आसपास पहुंच जाती है, तो वेट करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो जब जैसे इसका थर्मोस्टेट चलेगा तो इसका जो कूलेंट है वो ऑलरेडी अंदर चला जाएगा कुछ इस तरीके से, और फिर हमें इसे टॉप अप करना है। जब तक ये एयर बबल्स आ रहे हैं जो है ये देखो, तो भाई यहाँ पर हम कूलेंट को टॉप अप कर चुके हैं, ये पूरा का पूरा हमारा काम कंप्लीट हो गया है, कंडेंसर भी क्लीन हो गया है, कूलेंट भी टॉप अप हो गया है। अब बारी है इसके बम्पर को लगाने की, तो ये बम्पर लगाना भी आसान है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली लग जाता है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा ये बम्पर कैसे लगाते हैं। जैसे हमने उतारा था सेम वैसे ही इसे फिट भी कर देना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना, 5 मिनट के आसपास लगेंगे। तो मेन काम तो जो था वो कूलेंट का था, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ पर काम खत्म हो चुका है। तो ऐसे आप भी अपनी गाड़ी का कूलेंट चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी पूरी गाड़ी का कूलेंट और कूलिंग सिस्टम गाड़ी का, जिसके अंदर रेडिएटर हो गया, इंजन हो गया और रिजर्वॉयर टैंक हो गया, सारे को कैसे आप फ्लश करके रिप्लेस करके नया कूलेंट डाल सकते हो अपनी कार के अंदर, अपने ही घर पर खुद अपने हाथों से बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।